नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। आई वुड लाइक टू वेलकम यू। मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। प्लीज सी द कर्सर। ओके, नाउ टुडे आई हैव टेकन ए वन इम्पॉर्टेंट, एक ऐसी मजेदार वनस्पति या उसका प्रोडक्ट मैंने लिया है जिसका नाम है शतावरी घृत। इसके हम आज ड्रग रिव्यू करने वाले हैं। आप तो जानते हैं कि प्राध्यापक डॉक्टर देश पांडे आपको आपके सामने एक से बढ़कर एक आयुर्वेदिक दवा के बारे में साइंटिफिक शास्त्रीय तरीके से फिलहाल बहुत आसान तरीके से जानकारी देते हैं। शतावरी एक ऐसी वनस्पति है, वो बहुत पॉपुलर है, जाने वानी है, खास करके स्त्रियों के लिए या बच्चों के लिए या वृद्ध व्यक्ति के लिए। ये शतावरी वनस्पति बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है और उससे बनाया गया जो घृत है, घी है, मेडिकेटेड घी, उसका नाम है शतावरी घृत। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये आपके सामने प्रस्तुत है, ये पुनर्वसु कंपनी का जो प्रोडक्ट है 100 ग्राम का, वो आपके सामने है। इसी तरह अनेक कंपनी का ये शतावरी घृत मिलता है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में इसके आपको मेल लिंक मिल जाएगी, तो उसके क्लिक करके आप घर बैठे बैठे शतावरी घृत मंगवा सकते हैं। शतावरी घृत में जो घटक द्रव्य है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है शतावरी या एस्परैगस रेसिमोसस, ये इसका लैटिन नेम है। ये मधुर तिक्त रस वाली वनस्पति है जिसका रस ये स्वादु होता है, स्वीट होता है और लिटिल बिट बिटर भी होता है। तो बिटर से पूरा शरीर प्यूरिफिकेशन हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। बेसिकली शतावरी वनस्पति वात पित्त शामक है। आप तो जानते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से ये जो दोष धातु मल कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोष का मतलब होता है वात पित्त कफ, दीज आर द बायो एनर्जीज। वात जो है वो सभी पूरे शरीर में जो हलचल होती है, मूवमेंट होती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। पित्त जो घटक है पूरे तरीके का डाइजेशन, पाचन, परिवर्तन, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है। तो ये जब वात और पित्त दोष प्रकोपित हो जाएंगे तो उसको पैलेटिव मतलब शमन करने के लिए, उनका प्रकोप शांत करने के लिए ये शतावरी घृत काम आ जाएगा। इसके साथ ये मांस वर्धक है। माउस धातु तो आप जानते हैं मस्कुलर टिश्यू, जैसे कि ये बाइसेप है, पीछे वाले बाजू में ट्राइसेप है, ये डेल्टॉइड मसल है, हाथ और पैर में जो मसल्स हैं, सीने में जो पेक्टोरलिस मसल है, पूरे शरीर के जो मसल्स है उनका टोन, उनकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए ये शतावरी घृत काम आ जाएगा। जो भी लोग जिम करते हैं, जो मसल बिल्डिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक है। अस्थि पोषक है। अस्थि का मतलब होता है बोन्स या हड्डी या बोनी ज्वाइंट्स, तो वो सक्षम बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए शतावरी घृत काम करता है। उसके साथ साथ शतावरी बेहतरीन इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। जिन लोगों की व्याधि प्रतिकार क्षमता कम हो जाती है उनके लिए शतावरी का घृत काम आता है। उसमें जो दूध मिलाया गया है ये एक तरीके का रसायन मतलब टॉनिक है। ये एंटी एजिंग है, वृद्धावस्था जल्द आने के लिए रोकथाम लगा देती है, प्रिवेंशन, स्टॉप। क्योंकि अभी अभी आप देख रहे हैं पुराने जमाने में, मेरे पिताजी अभी बाय गॉड्स फॉर्चून 91 है, माताजी 87 की है, अभी भी वो काम मतलब तंदुरुस्त है एक तरीके से। फिलहाल अभी हमारा बुढ़ापन जल्दी जल्दी आ रहा है, हमारी जो जनरेशन है उसमें 60 में हम बूढ़े हो गए हैं। हमारे जो बच्चे लोग हैं उनकी जनरेशन जो है उन जनरेशन में जल्दी से जल्दी हार्ट अटैक आ जाता है। 30 उम्र, 40 उम्र, 50 उम्र में हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। उसके साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस होता है, हाथ पैर में, सीने में कभी कभी दर्द होने लगता है। ये सब चीजें जो है डी जनरेशन जल्दी करने वाली, वो रोकथाम दबाने के लिए शतावरी घृत काम आ जाएगा। दूध एंटी एजिंग, उसके साथ साथ हाई प्रोटीन कंटेंट है जो मसल्स के लिए फायदेमंद है, हाई कैल्शियम हड्डियों के लिए फायदेमंद है। अभी तो आप जानते हैं कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो हमेशा कुछ भी शिकायत हो हमारे हाथ पैर और कमर की या संधिवात की, तो उनके लिए बोलते हैं कि विटामिन B12 करवा लीजिए, कैल्शियम करवा लीजिए, है ना। हाँ, ये सब महंगी महंगी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवा देने के बाद वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा फलाना कैल्शियम आपको लेना पड़ेगा, तो उसके पहले ही आप शतावरी घृत चालू कर सकते हैं, तो ये सब प्रिवेंशन हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा। उसमें जो घी घी है तू वो बेहतरीन रसायन आयुर्वेद ने माना है। रसायन का मतलब सिंपल तरीके से टॉनिक बोलते हैं। ये परम औषध है, द बेस्ट मेडिसिन फॉर वात एंड पित्त। ओके,
औषधि है, बेस्ट मेडिसिन है फॉर वाता प्रॉब्लम्स। दिस इज ऑल्सो लुब्रिकेंट जो हमारी वंगन जैसा काम करता है। आप तो जानते हैं कि संधिवात है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें ये सिनोवियल फ्लूइड की कमी रहती है ना। हमारी जो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसका वेयर एंड टियर जल्दी हो जाता है। तो हमारी जो सर्विसिंग हम करते हैं हमारी गाड़ियों की, मतलब कार होती हो या हमारी स्कूटर होती हो, तो हम गैराज में क्यों डालते हैं? तो ऑयल डालते हैं उसमें। उसी तरह पूरे शरीर में एक प्रकार से वो ऑयल डालने का काम, सॉफ्टनेस लाने का काम, रूखापन कम करने का काम शतावरी घृतक करता है। इसके लिए वो लुब्रिकेंट है। तो ये कहां पर यूज करेंगे आप? डीजेनरेटिव, जिसमें वेयर एंड टेयर ज्यादा चल रहा है, उसी सभी बीमारियों में और ऑटो इम्यून डिसीजेस में ये बेहतरीन काम करेगी शतावरी घृतक। शतावरी एक मधुर स्वीट है, स्वादु है, शीत है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, और गुरु का मतलब होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर का ग्रहण होता है। यस्य द्रव्यस्य ग्रहणे कर्मणि हेतु गुरु गुणः। तो जिसके द्वारा शरीर में वजन बढ़ता है, हमारी ताकत बढ़ती है, मसल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो इन गुणों वाली हर्बल उत्कृष्ट बलवर्धनीय फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली यह शतावरी वनस्पति है। शतावरी सप्त धातुओं की वृद्धि करने के साथ साथ विशेषता पूर्वक मांसपेशियों को बल प्रदान कर सकती है। मसल टोन एंड स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज्ड। शतावरी एक उत्कृष्ट स्तन्य जनन है, ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने वाली, जिसको मॉडर्न के फार्माकोलॉजी में गैलेक्टागॉग बोला जाता है। तो इसके स्तन्य जनन का कार्य खास करके है। हम सभी प्रेग्नेंट लेडीज को शतावरी कल्प लेने का सलाह देते हैं। शतावरी कल्प इज द वैल्यूज ऑफ शतावरी। फिर शतावरी वृद्ध ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि वो लुब्रिकेंट है, वात विकारों को वो शमन करेगी। इन सभी गुणों को मध्यस्थित करके शतावरी का घी विभिन्न रोग में उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार का दौर्बल्य, कौन सी भी बीमारी से जब हम वीकनेस हो जाता है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, कमजोरी है, दौर्बल्य है, रूखापन है, वो दूर करने के लिए शतावरी की उपयोगी साबित होता है। और विभिन्न लोग में जैसे लाभकारी क्रॉनिक डिजनरेटिव और ऑटो इम्यून डिसीज में वो काम करता है। गर्भवती स्थिति प्रेगनेंसी में भ्रूण की अच्छी विकास के लिए और सुतिकावस्था, बच्चे के जन्म के बाद जो परपीरियल पीरियड बोलते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी जो पीरियड होता है एक महीने का, दो महीने का, उसमें पूरी मात्रा में दूध उत्पन्न करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क शतावरी घी विशेष रूप से प्रभावी साबित होता है। इस घी का सबसे बड़ा उपयोग जो है वो पेट में दर्द, मतलब पेन इन एब्डोमेन, उदर शूल के लिए किया जाता है। खास करके जब हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन ज्यादा होता है, मेंटल स्ट्रेस अभी जाता है तो एसिडिटी भी ज्यादा चल रही है, डाइजिन या कोई भी एंटासिड हो तो अच्छा है, फिर उस लेने के बजाय जब आपको बार 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 एसिडिटी की शिकायत है तो आप शतावरी दूध लेने से वो पूरी की पूरी चली जाएगी, बहुत कंट्रोल में रहेगी, उसकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ड्यूओडेनल अल्सर या अम्लपित्त में होने वाली तीव्र उदर वेदना को कम करने के लिए शतावरी घृत त्वरित रूप से काम भी करती है और वो प्रतिबंध भी करती है रिकरेंस के लिए। ग्रहणी, खास करके पित्तज ग्रहणी में शतावरी घी का उपयोग करने से भूख बेहतर लगती है, जिसको हम इरिटेबल बावेल डिसीज, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम भी कहते हैं। अभी ये दिनों में ना आंत्र की बीमारियां, ग्रहणी की बीमारियां बहुत सारे लोगों को है और वो कमी होती है, इसी के लिए बनाया गया है। पाचन शक्ति में सुधार आता है, मल प्रवृत्ति सामान्य हो जाती है, मतलब नॉर्मल हो जाती है, और खास करके दौर्बल्य कम हो जाता है। शतावरी दूध का उपयोग हड्डी रोगों में जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, जब हमारे नी जॉइंट पेन ज्यादा होते हैं, जब लोग बोल देते हैं कि इनको रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना, नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी, तो उसके पहले क्यों नहीं आप ये ट्राई करते शतावरी दूध का? बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया, मतलब बोन मास डेंसिटी, विटामिन D3 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, हाँ, तो इन सभी में आप पहले शतावरी घृत का इस्तेमाल करना चाहिए सामान्य टॉनिक के रूप में। ये मतलब कोई भी बीमारी नहीं है। लोग बोलेंगे तो हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते हैं? ये टॉनिक जैसे काम करेगा, खास करके वात प्रधान प्रकृति,
पित्त प्रधान प्रकृति, आपको प्रकृति मतलब आपकी खुद की निकामी है, तो हम है ना आयुर्वेद एकेडमी में बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद है आपकी सहायता के लिए, पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आपकी प्रकृति निकाल कर उसके अनुसार भी आपको सलाह मशवरा किया जा सकता है। तो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, वात पित्त प्रकृति को ये और वात पित्त विसिदेश में ये शतावरी विरुद्ध काम करेगा। ये कि स्वतंत्र रूप से या अन्य औषध द्रव्यों के साथ कोई बृहत्वात चिंतामणि का इस्तेमाल कर रहा है, कोई वसंत कुसुमा का इस्तेमाल कर रहा है, कोई सुवर्ण मालिनी वसंत ले रहा है, तो इन द्रव्यों के साथ अनुपानक स्वरूप में शतावरी भी आप ले सकते हैं। दिन में 2 से 4 चम्मच तक 3 बार दवा लेना है और ये दूध के साथ ले सकते हैं। कहाँ मिलेगी दवा, ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। आप किसी को भी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो कृपा करके हमारी जो टीम ऑफ द डॉक्टर्स है, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, आयुर्वेदिक, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, तो आप आयुर्वेद एकेडमी की जरूर सहायता ले सकते हैं 9268106300 पर। कोई भी कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल सलाह लेना जरूरत है, ये डिस्क्लेमर लाते से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं मैं हमेशा की तरह आपकी विनंती करता हूँ हाथ जोड़कर कि कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू आर सीइंग ऑन द फर्स्ट टाइम, एंड देन आई विश ऑल द बेस्ट। बिकॉज मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, डॉक्टर देशपांडे आ जाता है तो आप प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन ऑफ इट। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर यू, आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू सून।